गुरुग्राम के पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर नकदी लूट और डकैती करने के मामले में 5,25,000 रुपए का इनामी बदमाश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रचित शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। गुरुग्राम से खबर, पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हैदराबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नकदी लूट और डकैती मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 25,000 का इनाम भी रखा था इस अपराधी। दिनांक 11 जनवरी 2021 को एक व्यक्ति एक कंपनी में नौकरी करता था और वो अपनी कंपनी का चेक बैंक में डाल के और उससे 10 लाख रुपए निकलवा के और कंपनी के ऑफिस की तरफ जा रहा था। अतुल कटारिया चौक से आगे जाके नर्सरी के पास 3 लड़कों ने उसको मोटरसाइकिल पे जो सवार थे उसको चाकू और पिस्टल लगा के और उससे 10 लाख रुपए की लूट की। उसका लैपटॉप व मोबाइल भी लूट के लेके गए, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 द्वारा की गई। तो उसमें शामिल आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन एक आरोपी लगातार 2 साल से उससे गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा हुआ था, जिसको अब हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 17 ने हैदराबाद से उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।